पुराने शहर के इलाके मदन्ना पेट रामचंद्र नगर में मौजूदा विकास हाई स्कूल के बैक साइड में पेश आए मोहम्मद तारिक अली नाम वाले एक शख्स के मर्डर केस की कुछ अपडेट मौसूल हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तारिक अली को कत्ल करने के अफसोसनाक वाकये में उनकी अपनी बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान ही मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि इनका और मरहूम तारिक अली का पिछले कुछ वक्त से झगड़ा चल रहा था और शुबा है कि इसी झगड़े की वजह से तारिक अली को प्लान के तहत में मर्डर कर दिया गया होगा, क्योंकि पीडीएस राइस के मामले की वजह से चल रहे झगड़े के नतीजे में ही तारिक अली को 5 से 6 लोगों की गैंग ने बहुत ही दिलेराना अंदाज में उनके अपने घर के बाहर मोहल्लिक हथियारों से हमला करके बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। खैर, वैसे मरहूम भाई तारिक अली भी कुछ कम नहीं थे, वो भी कुछ क्रिमिनल केसेस में मुलविस बताए जा रहे हैं, जो आज से कुछ साल पहले एक मशहूर और मारूफ प्रोफेशनल चोर मारवती नईम के रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हुए मर्डर केस में मुलविस है। इसके अलावा कुछ साल पहले यानी साल 2018 में शहर हैदराबाद के बाहरी इलाके पिदम्बरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में भी एक ड्राइवर अखिल नाम वाले नौजवान के कत्ल की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं और मार्केट में कुछ लोगों की भारी रकूमात कर्जे के तौर पर हासिल भी कर चुके हैं। और फिर इलेक्शन के बाद से तो भाई तारिक अली अचानक लाइमलाइट में आ गए और फिर फोटोज़ वगैरह ले लेने के बाद से तो खुद को एक लीडर समझते हुए हवा में उड़ रहे थे। हालांकि वो रियल इस्टेट का कारोबार किया करते थे, जिसमें शायद नुकसान हो जाने की वजह से वो लोगों से भारी रकूमात कर्जा हासिल किए मगर अब तक तो नहीं दिए। और फिर वो इलाके में बाबू खान के नाम से जाने जाते थे, जिनकी शादी भी हो चुकी है, जिनकी अहलिया को एक लड़का और एक लड़की भी है, जिनकी अहलिया उम्रा के लिए गई हुई है और इनके रात तक हैदराबाद वापस होने की तवक्को की जा रही है। और इनके वालिद मोहम्मद फारूक अली के कोविड के दौरान इंतकाल हो जाने की इत्तला मिली है, जिनकी अहलिया उम्रा में थी और फिर वो अपने शौहर के अफसोसनाक वाकये की इत्तला मिलते ही वहाँ से निकल गई हैं और बहुत जल्द हैदराबाद पहुँचने की तवक्को की जा रही है, मगर अब तक भी आई सदन की पुलिस ने ऑफिशियल इस मामले में कोई बयान नहीं दिया और ना ही फिर कत्ल की वजह भी नहीं बताई है। इसीलिए कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।